बेटा जो जो बच्चे आ चुके हैं जल्दी से मैसेज डालो। आ गए सारे बच्चे? मैसेज डाल के बताओ तुम लोग आ गए हो। रितु आ गई है, सिमरन आ गए हैं। बेटा सेशन दोबारा शुरू हो रहा है, जो जो बच्चे ऑलरेडी थे वो भी दोबारा से आके मैसेज डालेंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अभी शुरू करेंगे, एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो ताकि बाकी बच्चे जो ऑनलाइन थे ना वो भी नए सेशन में आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो पुराने में लगे हो। करण भी आ गए हैं। ओके ओके ओके, चलिए तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। अभी हमारा सेशन रीस्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो हम लोग ना आज क्लास हमारी छोटी हो पाएगी, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमारा उसमें कंज्यूम हो गया। तो एक बार प्लीज, तरुण आ चुका है और करण आ चुका है और सिमरन, रितु आ गई है, और कौन बच्चे हैं बेटे जल्दी से मैसेज करो। हम लोग शुरू करते हैं। राघव और कौन थे, पुनीत, जो बच्चे ऑनलाइन थे अभी, बेटे एक बार मैसेज करके बताओ तुम लोग भी आ गए हो कि नहीं। और जो बच्चे थे ऑनलाइन सब बच्चे बेटे फटाफट से आइए। हम लोगों ने जरा सी बात की थी, कुछ नई बात नहीं की थी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार फिर से। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये चैप्टर हमारा सीए इंटर की क्लास है ये, साथ साथ में सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी हम ये क्लास रेफर करेंगे, उनका भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। आइए, स्पेशली हम सीएस एग्जीक्यूटिव नहीं, सीए इंटर के लिए ले रहे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव को तो थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा कवर, थोड़ा सा पार्ट होता है उनके यहाँ पर। मैं शुरू करूँ? चलिए आइए। जरा बेटा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारे जो डिबेंचर्स की बातें हैं, डिबेंचर्स से रिलेटेड बातें हैं, क्या क्या चीज़ है जो कंपनी की लाइफ में होता है। आइए जरा, कंपनी क्या करती है, सबसे पहले डिबेंचर्स को इश्यू करती है, जो हमने पढ़ा था फाउंडेशन लेवल पर। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन इशू का मिक्स होके आ सकता है, जैसे थोड़ा सा इशू करा दिया कहीं कहीं पर, है ना? तो ये नहीं कह सकते कि एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं आएगा, लेकिन हाँ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का जो चैप्टर है उसके अंदर इसके क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं स्टडी मैट में। आइए जरा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले जरा डिबेंचर का देख लें, कंपनी की लाइफ में कहाँ कहाँ पे क्या क्या रोल होता है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, इशू करती है डिबेंचर्स को, ठीक है? तो बेटा एक बार फोटो ले लेना जो जो बच्चे अभी आए हैं, ताकि मैं थोड़ा क्लास आगे बढ़ा सकूं। आइए दूसरी बात, इंटरेस्ट एंड टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसके बदले में साथ साथ में क्या देती है, इंटरेस्ट। डिबेंचर होता क्या है लिखेंगे अभी, डोंट वरी। तो डिबेंचर्स क्या होता है बेटा, लोन इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल घर के जमाई की तरह होता है। दिवाली हो दशहरा हो, उसके पास में कोथली जानी जानी है, यानी चाहे घर में दाने ना हो उसके पास में कोथली जानी जानी होती है। ऐसे ही डिबेंचर्स में क्या होता है, इंटरेस्ट का पेमेंट होना ही होना होता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो ना कमा रही हो। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। जब इंटरेस्ट की बात होगी तो इनकम टैक्स में जो टीडीएस का चैप्टर है वो भी शुरू हो जाएगा कि भाई साहब इंटरेस्ट पे टीडीएस भी तो लाओ। टीडीएस के लिए क्या पढ़ा था हमने, कहीं पे भी टैक्सेशन में आपने पढ़ा होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कोई भी इनकम ऐसी है जहां पर, मतलब कुछ स्पेसिफिक इनकम्स ऐसी हैं जहां पर जनरेशन जहां पे हो रही है, इनकम सोर्स जो है जनरेशन का उसी जगह पर टैक्स कटवा करके गवर्नमेंट मंगवा लेती है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, ठीक है? उसकी भी हम अकाउंटिंग यहां पढ़ेंगे। राइट ऑफ लॉस ऑन इशू, भाई कंपनी ने डिबेंचर्स को इशू किया है तो मे बी कि वो डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ हो, मे बी कि डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ हो, मे बी कि उसका रिडम्पशन मतलब पेमेंट की वापसी प्रीमियम पे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली ही लॉस को बुक कर लेते हैं। अकाउंट्स में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर में होने वाले लॉस को अभी बुक कर लो, ठीक है जी? और हम क्या पढ़ रहे थे हम लोग फाउंडेशन में, उसके क्वेश्चन यहाँ पर हैं, दोबारा से आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में। क्या सर, बताओ बताओ सर। हम उसको राइट ऑफ करते हैं ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर, राइट ऑफ करते हैं जी। डिबेंचर अगर 4 साल का है और चौथे साल में जाकर के रिडम्पशन होना है,
तो वहां पर हम क्या करते थे, उसको 4 साल में बराबर 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 राइट ऑफ करते थे। किसी किसी का रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में होता था, तो हम देखते थे कितना कितना लोन कहां पर है ना। बातें करेंगे क्वेश्चंस के जरिए, डोंट वरी, पहले एक बार पता कर लें कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है। आइए जरा, थर्ड पार्ट है रिडम्पशन और डिबेंचर। मेन जो है रिडम्पशन वो यहां पर से शुरू होता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन टीडीएस, इंटरेस्ट और उसके टीडीएस और राइट ऑफ के भी आते हैं जी, इंटर लेवल पर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में तो खैर सारा ही रहता है। आइए जरा रिडम्पशन और डिबेंचर्स में क्या क्या है जी, आइए जरा पहले जरा चार्ट बना लें इस चैप्टर का। एक बार चार्ट हमारे हाथ में हो तो पता रहे कि भाई काम कैसे कैसे होना है। रिडम्पशन वर्ड है क्या, क्लियरिटी करो। रिडम्पशन मतलब रिपेमेंट, और रिडम्पशन में क्या फर्क होता है। हमने किसी से पैसे उधार लिए या हमने किसी से माल उधार लिया और हमने कहा भाई साहब हम तुम्हें वापस कर देंगे, जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे हम वापस कर देंगे, हमने भी माल बेच रखा है जी, आगे से पैसे कलेक्शन आएंगे डेटर से, आपको दे देंगे जी, आपको दे देंगे मतलब आपके पैसे वापस दे देंगे जी, वापस दे देंगे मतलब रीपेमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रीपेमेंट, क्यों नहीं बोलते उस वर्ड को रिडम्पशन? डिबेंचर के साथ में क्यों रिडम्पशन वर्ड चिपका हुआ है, इसको नहीं क्यों बोला हमने रीपेमेंट? रीपेमेंट और रिडम्पशन में फर्क है। रीपेमेंट कहता है जब आएगा तब देंगे, कितना देंगे पता नहीं, जितना आता रहेगा देते रहेंगे, जितना आपस में हम लोग मैनेज करेंगे, मतलब वहां पर प्री फिक्स डेट नहीं है, प्री फिक्स अमाउंट नहीं है, इसीलिए उसका नाम रिपेमेंट है। आइए जरा अब बात करते हैं रिडम्पशन की। रिडम्पशन में पहले से तय होता है भाई फलाना तारीख फिक्स है, वो वाली तारीख है, उस तारीख में पेमेंट होगा और कितने रुपए का होगा ये भी फिक्स है, तो उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। आइए जरा अब बात करते हैं रिडम्पशन और डिबेंचर्स के केस में भाई साहब किस किस तरह से होता है जी रिडम्पशन। आइए जरा सबसे पहला, फिर दूसरा और तीसरा, ये तीन तरीके हैं बेटे रिडम्पशन के, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री, क्या है जी बताओ बताओ बताओ। आइए जरा सबसे पहले है बेटे लमसम, एक तरीका होता है लमसम रिडम्पशन कर देना, दूसरा तरीका है इन इंस्टॉलमेंट, सॉरी इन इंस्टॉलमेंट रिडम्पशन करना, पैसे की वापसी इंस्टॉलमेंट में करना। आइए जरा नंबर तीसरी बात, ये हम क्या बोलेंगे इसको, ऐसे लिखो रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, रिडम्पशन सॉरी रिडम्पशन इन लमसम, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, और लिखो यहाँ पे रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। एक डिबेंचर को दूसरे डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया, एक डिबेंचर को दूसरे सर्टिफिकेट दे दिए, शेयर्स दे दिए, मतलब उसको किसी में कन्वर्ट कर दिया, उसको कैश नहीं दिया, मतलब कैश के अलावा। पहले वाले दोनों में क्या है, कैश देंगे सारा का सारा दे देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे कैश देंगे, तीसरे वाला है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। खैर ध्यान से अब बेटे इन तीनों में बड़ी कॉमन बात है और हमारा लो उसी के बारे में कई जगह पर बातें करता है। भाई देखो चाहे रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में हो और चाहे रिडम्पशन कन्वर्जन के जरिए हो, चाहे लमसम हो, एक बात तो कन्फर्म है, दो चीजें होंगी। नंबर वन, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन कि भाई साहब जब पेमेंट करना होगा तो पैसे कहां से लाएंगे, है ना, पैसे कहां से लाएंगे। नंबर दूसरी बात लो के अकॉर्डिंग कुछ यहां पर DRR DRI में कुछ वर्ड लिख रहा हूं, आप पहले इसको ऐसे लिखेंगे DRR/DRI। मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में जब हम पढ़ते हैं इमीडिएटली आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि बच्चों को बहुत कम बताना पड़ता है और बच्चे पूरी बात समझ जाते हैं। जैसे वहां CRR था, कब बनता था, जब प्रॉफिट में से रिडम्पशन होता था, ऐसी कुछ बात यहां पर है, जब हम लोग प्रॉफिट में से रिडम्पशन करेंगे तो CRR ना बना के DRR बनाएंगे, CRR था कैपिटल के लिए, DRR है डिबेंचर्स के लिए, वाह 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 वाह। बस इसमें कुछ लो वाली बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। सर ठीक है CRR का DRR समझ में आता है, ये वहां तो कोई CRI था ही नहीं, आपने यहाँ DRI क्या कर दिया बेटे? DRI डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। यहां बस एक छोटी सी बात है, क्या हम यहां पर पैसे को ना जो हमने लॉक करके रख दिया उसको साथ साथ में कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे। अगर वहां पर कैपिटल रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट होता तो क्या होता,
वो जो पैसा लोप करते उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया करते, है ना, फिर इन्वेस्टमेंट बेच देते पेमेंट के टाइम पर। बस यहाँ पर, वहां पर नहीं था ऐसा, लेकिन यहाँ पर ऐसा है, डिबेंचर होल्डर्स के नाम का जो पैसा हमने उठा करके रखा उसको हमने खाली नहीं बैठने दिया पैसे को, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया ताकि वो पैसा बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, और टाइम पर इन्वेस्टमेंट को बेच करके हम पेमेंट कर देते हैं जी। चलिए बेटे, इसमें कुछ अमेंडमेंट आई थी तो मैं सारी बातें करूंगा और विद अमेंडमेंट करूंगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आप सबसे पहले स्टार्टिंग की कुछ बेसिक बातें लिखेंगे, वरना बेटे दिक्कत हो जाएगी अगर हमने उन बेसिक वाली बातों को रिवाइज नहीं किया, कई बार वो क्वेश्चन का पार्ट बन के आती हैं। तो सारे बच्चे फटाफट से लिखेंगे यहां पर नंबर वन पॉइंट, मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आइए, रिडम्पशन से पहले हमें यहां पर लिखना है नंबर वन, बल्कि इसको मैं नाम दूंगा क्या, स्मॉल लेटर में, क्या क्या नाम दोगे सर, क्या नाम दोगे सर, बताओ ना सर क्या नाम दोगे, बता दो ना। अल्लाह भाई कैसी बातें कर दी। लो, सबसे पहले हमने यहां पे नाम लिखा मीनिंग, भाई जिसका रिडम्पशन करने जा रहे हैं उसका मीनिंग भी तो क्लियर हो, थ्योरी में कभी भी आ जाता है, फिर हम कहते हाँ, फिर ना ऐसे करते हैं हाँ, काश थ्योरी पढ़ लेते, है ना। मीनिंग ऑफ डिबेंचर, तो पहले बात करेंगे छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मीनिंग ऑफ डिबेंचर। आइए जरा फटाफट से लिखते हैं, सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिबेंचर, फिर बात करें रिडम्पशन की। लिखे, पुरानी यादें कुछ ताजा करनी है। क्या सर बताओ, लिखो फटाफट, अब लिखाओ तो सर, तभी तो लिखेंगे। लो जी, एन इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनी, डिबेंचर होता क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी ने इशू किया है, इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स सील, नेक्स्ट acknowledging acknowledging a debt, ये मानते हुए, ये accept करते हुए कि हाँ भाई हमारे ऊपर तुम्हारा कर्जा है। next point, and containing containing the provisions एज रिकार्ड्स, और जिस इंस्ट्रूमेंट में ये बात भी लिखी होगी उस इस बारे में भी प्रोविजन लिखा होगा, एज रिकार्ड्स टू रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो कंपनी ने इशू किया है अपनी सील लगा करके, ये मानते हुए कि हमने आपसे कर्जा ले रखा है, और उसमें ये बात भी लिखी हुई है कि भाई हम आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कब पेमेंट करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, उसके बारे में भी पूरी पूरी प्रोविजन अवेलेबल है वहां पर, उसके अंदर लिखा हुआ है इन बातों को। बी पार्ट अब लिखेंगे जी, रिडम्पशन, डिबेंचर्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटे ऐसे ही लिख के आना जब आप एग्जाम में जाओ, अगर माने थ्योरी आगे लिखने के लिए, एट फिक्स्ड प्री डिसाइडेड डेट
फिक्स्ड अमाउंट इज रिपेड कोमा दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आइए जरा सॉरी आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमें छोटा सा इशू वाला पार्ट देखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे यहां पर उस पार्ट के लॉस ऑन इशू से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। आइए जरा मैं आपको सारा इशू तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बात करता हूं जी 11 बजे आओ जी। दूसरा पार्ट इशू ऑफ डिबेंचर्स। आइए बेटा जी जल्दी से आइए 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 आइए। इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर क्या हमें सारा पढ़ाओगे आप? इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, नॉन कैश, लम सम, इन इंस्टॉलमेंट। ना 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 ना, मैं तो सिर्फ याद दिलाऊंगा उसमें, ताकि आप अपने आप रिकॉल कर लें। मैं अगर इशू पढ़ाने लगा फिर तो बेटे आपको दिक्कत हो जाएगी। आइए जरा, तो भाई इशू वाले चैप्टर को थोड़ा सा ओवरव्यू लेना जरूरी है। आइए अब बातें करते हैं आगे। आप सब बच्चे लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से, क्या सर? इशू ऑफ डिबेंचर्स में क्या क्या पढ़ा था बताओ, याद करो वो दिन जब तुम छोटे बच्चे हुआ करते थे। दो सर हम तो आज भी छोटे हैं। हाँ नहीं तब ज़्यादा छोटे हुआ करते थे, तो तुम क्लास में बड़ी शैतानी करते थे और तुम्हें पढ़ा पढ़ा के थक गए थे सर और मैडम। इशू मे बी फॉर कैश कंसीडरेशन। प्लीज़ एक बार चार्ट बना लेना, अपने आप रिवाइज कर लेना इस चीज़ को, और अगर किसी को दिक्कत हुई तो मुझे बता देना, मैं उसका क्वेश्चन भी करा दूंगा। फॉर नॉन कैश इशू में भी, फॉर कैश इशू में भी, फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन। नेक्स्ट, अब ये जो कैश कंसीडरेशन वाली बात है, ठीक है, यहां पर दो चीजें हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी जी? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप साथ साथ नोट भी कर रहे हैं बेटे, बीच बीच में बताते रहा करो। हाँ सर ठीक है सर, ओके सर, हाँ जी सर, वहां तो तुम्हारे चेहरे दिखते रहते हैं। या ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखते हैं, है ना, पता रहता है बच्चे को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो तुम्हारी सिर्फ चैट ही दिखती है ना, तो जरा बताते रहा करो कि यहाँ तक ओके है ना सबको, कि हमारा यहाँ तक का क्या क्या रह सकता है चैप्टर में। आइए जरा अच्छा, फोर क्या कहा मैंने, फोर लमसम कैश, डिबेंचर्स को इशू की बात हो रही है, लमसम कैश, फोर लमसम कैश इशू था। दूसरा क्या था, इन इंस्टॉलमेंट, या फोर लमसम नहीं, फोर इंस्टॉलमेंट कैश है ना बेटा, आपने पढ़ा था यहां पर कैसे कैसे होता था, आपने पढ़ा था डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर बोलो बोलो, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, और डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल, या जितनी भी होंगी, है ना। सिर्फ रितु का जवाब आया हाँ जी सर, बाकी बच्चे सभी सो गए हैं लगता है। आइए जरा बेटे, चाहे इंस्टॉलमेंट में कैश हो और चाहे हो हमारा किसमें
लमसम में हो। हमें इतना पता है यहाँ पर तीन केस थे, इशू में भी एट पार, जहाँ पर 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर 10 रुपये पर इशू हो रहा था, चाहे वो लमसम में हो चाहे इंस्टॉलमेंट में हो। फिर हमने पढ़ा था एट प्रीमियम, है ना, 10 रुपये वाला शेयर 12 रुपये पर। डिस्काउंट पे इशू होता है क्या? पलक का भी जवाब आ गया, यस सर, सिर्फ 2 बच्चों ने जवाब दिया, बाकी बच्चे पता क्या कर रहे हैं, मम्मी पराठे लाइयो ये तो बोलता रहेगा, आराम से बैठ के खा रहे होंगे पिक पॉपकॉर्न की तरह, बोल बोल बोल, है ना, जल्दी से बताते रहो साथ साथ में। हाँ, सुबह सुबह पराठे मत शुरू हो जाना, मुझे पता है बराबर पराठे चल रहे होंगे। आओ जरा बेटे, एक्सेप्शनल केस में था एट डिस्काउंट नोट ऑलवेज, याद है आपको, वहां पढ़ा था हमने, तरुण का जवाब आ गया। डिस्काउंट के केस में एक्सेप्शनल केस थे बस, जब डिस्काउंट पर इश्यू हो सकता था, वरना नॉर्मल केस में नहीं हो सकता था। ठीक है, उम्मीद है ये आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन लेवल पे, ओनली इन एक्सेप्शनल केस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया था जी। ठीक है सर, आपको पता है अच्छा सॉरी नहीं, यहां पर तो डिबेंचर के केस में तो एक्सेप्शनल केस नहीं थे, वो तो शेयर्स में थे। डिस्काउंट यहां पर इश्यू हो सकता है नॉर्मल वे में, यस भाई, नॉर्मल वे में, नॉर्मल वे में, नॉर्मल वे में। ठीक है, मैं एक काम करूं, इसको 9 रुपीज कर देता हूं, और थोड़ा आसानी होगी। बिल्कुल सही। अब यहां पर जब 9 रुपीज में आप इशू करते थे, 9 रुपीज में जब आप इशू करते थे, तो आपको पता है यहां पर 1 रुपए का नुकसान तो जो है ना कंपनी तुरंत बुक कर लेती थी, कहती थी हम तो खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं हम तो, हमें 1 रुपए का नुकसान अभी हो गया, अभी तय हो गया। क्या तय हो गया जी? अभी अभी के अभी ये तय हो गया कि हमें पैसे वापस देने हैं 1 रुपए एक्स्ट्रा। तो ये जो हमारा नुकसान था, लॉस बुक हो गया था, लॉस ऑन इशू। याद आ रही बेटे बातें आपको? लॉस ऑन इशू, सर हमें तो वो भी नहीं मिले अभी, अच्छा पराठे अभी भी नहीं मिले, ओके आओ जरा। तो लॉस ऑन इशू के टाइम पर हमें पता चल गया कि 1 रुपए का नुकसान अभी के अभी डिसाइड हो चुका है। मजा आ जाता था जब क्वेश्चन में देखते थे कि डिबेंचर रिडीमेबल है तो फ्यूचर में एक्स्ट्रा पेमेंट देना है, वो इशू के टाइम पर ही हम एक एंट्री और भी किया करते थे, याद होगा आपको, पक्का याद होगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप इशू वाली एंट्री के साथ में चिपका दिया करते थे, इशू वाली जनरल एंट्री के साथ में चिपका दिया करते थे इस वाली एंट्री को, आपको शायद याद हो, जब रिडम्पशन पर प्रीमियम हो, यानी रिडीमेबल एट प्रीमियम हो, पार पे नहीं, डिस्काउंट पे नहीं, प्रीमियम पर, तो आप एंट्री क्या करते थे? क्या? लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू PPOR प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन करते थे ना। अगर मैं आपसे ये कहूं बेटे 50 पैसे एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स पे फ्यूचर में 50 पैसे एक्स्ट्रा होगा, तो चाहे पार पे इशू हो, चाहे प्रीमियम पे इशू हो, चाहे डिस्काउंट पे इशू हो, एक एंट्री यहां पर और जुड़ जाया करती थी उस 50 पैसे के नाम की, डेबिट और लॉसेस क्रेडिट द गिवर, फ्यूचर के लिए हमें एक लायबिलिटी क्रेडिट कर लेते थे, लॉस ऑन इशू। मतलब अगर हमने पार पे इशू किया तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपए, टू डिबेंचर 10 रुपए, और इसी के बीच में डेबिट में क्रेडिट में ये एंट्री जोड़ दिया करते थे, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम पेबल रिडम्पशन, बैंक डेबिट 10 रुपए, लॉस ऑन इशू डेबिट 10 रुपए, सॉरी 50 पैसे, टू डिबेंचर 10 रुपए और टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन 50 पैसे, है ना। जब प्रीमियम पे बात होती थी तो हम एंट्री क्या करते थे इशू की? बैंक डेबिट 10 रुपए टू, सॉरी बैंक डेबिट 12 रुपए, टू डिबेंचर 10 रुपए और टू सिक्योर्ड प्रीमियम 2 रुपए। और अगर ये डिबेंचर फ्यूचर में 10 रुपए 50 पैसे पे रिडीम होने हैं, यानी फ्यूचर में होने वाले 50 पैसे के लॉस को हम इस वाली एंट्री को मर्ज कर दिया करते थे प्रीमियम के इशू के एंट्री के साथ में, हम एंट्री पता क्या करते थे? बताओ जल्दी क्या करते होंगे? बैंक डेबिट। बेटे अपने आप को जवाब देते रहेंगे, जब मैं आपसे ये कहूं कि बेटे बताओ, तो इसका मतलब आप बोलेंगे, आपको कसम है। देखो ऑनलाइन क्लास का मजा तब है जब आप इस तरह से काम करो जैसे मैं कहूँ, मजा आएगा। देखा
आप कहीं भी बैठे हो, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो या सेंटर पे आकर के ऑनलाइन देख रहे हो, आप ये सोच के पढ़ो कि सर है क्लास में, मैं हूँ और कोई नहीं है। और ये मत करना सर है मैं हूँ और पार्टी हो रही है, नहीं सर है मैं हूँ और क्लास हो रही है ना, और कोई नहीं है। एंट्री क्या होगी जल्दी बोलो, अपने आप को जवाब दो, बोल बोल के जवाब देना। बैंक प्रीमियम वाली इशू एंट्री, और रिडीमेबल किस पे है, प्रीमियम पे। एंट्री होती थी बैंक डेबिट 12 रुपए, लॉस ऑन इशू डेबिट 50 पैसे, 2 डिबेंचर 10 रुपए, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए और 2 प्रीमियम पेबल रिडेम्पशन 50 पैसे। आपको मैं वाली एंट्री आप कहोगे तो मैं करा दूंगा अगर कोई दिक्कत हुई तो, ठीक है ना। मैं चाहता हूं आपके लिए काम की बात हो। जब डिस्काउंट पर इशू था तो हम क्या करते थे, है लिखना नहीं, लिखना नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना, पलक अपने आप को जवाब देते रहना बाबू। जब अब ये वाला केस करेंगे, अब इस वाली एंट्री को बोलेंगे मेरे साथ साथ में, इस वाली एंट्री इशू की प्लस प्रीमियम पे रिडम्पशन है। इशू तो डिस्काउंट पर है, रिडम्पशन प्रीमियम पे, हमने पढ़ा था जी, पढ़ा था फाउंडेशन में पढ़ा था। मन मन में एंट्री बना रहा हूं मैं फटाफट से, और मैं आपसे पूछूंगा तो आप अपने आप को जवाब देंगे। सोच के देखो एंट्री क्या थी, सोच लिया होगा। अब अपने आप को जवाब देना और एंट्री मैच करना जैसे मैं बताऊंगा। बैंक डेबिट 9 रुपए, लॉस ऑन इशू डेबिट 1 रुपए डिस्काउंट का, 50 रुपए प्रीमियम वाले, तो 1.5 रुपए का लॉस डेबिट में जाता था लॉस ऑन इशू में। 2 डिबेंचर 10 रुपए और 2 प्रीमियम पेबल रिडेम्पशन 50 पैसे, ये हमने की थी जी एंट्री। अब इस लॉस ऑन इशू को इस वाले केस में क्या होता था, यहां पर हमारा लॉस थोड़ा बढ़ जाता था जब डिस्काउंट का केस होता था। जब ये वाला केस होता था तो हमारा लॉस ऑन इशू अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे रहता था। जब ये वाला लॉस ऑन इशू होता था इस वाले केस में, जब इशू पार पे हो लेकिन प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो, तो हमारा लॉस ऑन इशू होता था सिर्फ और सिर्फ कितना, 50 पैसे, है ना। इस लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने के लिए हमें सिखाया गया था कि ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर हम लोग इसको राइट ऑफ करते हैं। तो आइए बेटे अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं कहां पर जी, कहां पर मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, बेसिक पार्ट पर। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे आज, पहले मैं इस पर आने वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना, और फिर आगे रिडम्पशन वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। आइए जरा फटाफट से हेडिंग डालें नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे जी, आइए जरा एक मिनट, यहां पर हेडिंग डालेंगे जी लॉस ऑन इशू रिटन ऑफ एंड इंटरेस्ट अमाउंट। हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट अमाउंट एंड इंटरेस्ट, ये दोनों क्वेश्चन हमें पहले करने हैं। विश्वास मानिए कई बच्चों की इनमें बहुत गलती होती है, भले वो फाउंडेशन पढ़ के आए हूं। आइए जरा, और इसीलिए एग्जामिनर बार बार इनको भी क्वेश्चन के साथ में लगा देता है कि ले भाई बता। आइए एक छोटी सी पोयम लिखेंगे पहले सर, पोयम। हाँ ये इसके लिए समझ लो ब्रह्मास्त्र है अगर आपने इस चीज को फॉलो किया। क्या सर बताओ, लिखेंगे जल्दी से इंटरेस्ट के लिए और लॉस ऑन इश्यू के लिए एक पोयम लिखेंगे, जितना 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 लोन जहां, जितना जितना लोन जहां उतना उतना इंटरेस्ट वहां। वाह 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 वाह, क्या पोयम है सर, वाह वाह, थैंक यू सो मच। जितना जितना लोन जहां उतना उतना इंटरेस्ट वहां, वाह वाह क्या पोयम बन गई। एक और लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन, इरशाद इरशाद। जितना जितना क्या कहा, जितना जितना लोन जहां, वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच। उतना उतना राइट ऑफ वहां, वाह वाह, अरे वाह, तालियां हो जाए, वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच।
जितना जितना लोन जहां उतना उतना इंटरेस्ट वहां, जितना जितना लोन जहां उतना उतना राइट ऑफ वहां। आप कहोगे सर ऑनलाइन में बड़े फनी वे में पढ़ाते हो, भाई ऑनलाइन में मजा ही अलग रहता है पढ़ने का, बच्चे संभालने नहीं पड़ते, नहीं तो आधे से ज्यादा काम तो बेटा नहीं नो बातें नहीं गंदी बात उसमें लग जाता है। आइए जरा एक एग्जांपल लेते हैं, जरा एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन लिखिए। एक बेटा डिबेंचर है, उसकी जरा बात लिखते हैं पहले यहां पे। फेस वैल्यू 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं जी, ठीक है जी, ओके जी, जिनको कंपनी ने इशू किया, मतलब मैं कह सकता हूं कि इशू प्राइस, इशू प्राइस है जी कंपनी का 9,50,000 रुपए। अच्छा, और ये डिसाइड हुआ कि फ्यूचर में जाकर के उनका रिडम्पशन हम लोग करेंगे, रिडम्पशन प्राइस, रिडम्पशन प्राइस तय है जी कितने रुपए का, 11,20,000 रुपए का, ठीक है जी, 11,20,000 रुपए का। और इशू की जो डेट है, डेट ऑफ इशू, अब चलो लिख लो, ये है मान लिया 1/4/2015, 1/4/2015, ठीक है। अब आपको क्या करना है जी, यहां पर आपको यहां पर ये ढूंढना है, क्या 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 ढूंढना है जी, ध्यान रखना मेरे जो एग्जांपल होते हैं वो किसी ना किसी एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा एक क्लास में लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा। और पिछली बार एग्जाम में देख लो अपने एग्जाम्पल आ गए, मैंने आपको दिखाया भी था, फिगर बस लगती है, आपने देखा था क्लास के अंदर भी। तो डेट ऑफ इशू बेटा 1/4/2015 को क्या आपको क्या करना है, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू टू बी रिटन ऑफ इन ईच ईयर। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करो सारे बच्चे, और मैं इधर शुरू हो जाता हूं जी, साथ साथ में सॉल्व करना आंसर। ये एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, ये मत सोचना। तो मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूँ छोटा सा, सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी चीज को समझने का, अगर पॉसिबल हो तो ग्राफ। पहले मुझे यहां तक बताएंगे बच्चे मैसेज करके, क्या यहां तक क्लियरिटी है सब बच्चों को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? लो जी, हम जरा निकालते हैं हर साल में कितना राइट ऑफ होगा भाई, रिडम्पशन कब, रिडम्पशन का वो भी तो लिखे हम कि भाई रिडम्पशन कब होगा, हाँ ये भी तो लिखना जरूरी है। रिडम्पशन प्राइस ये है एट फोर्थ ईयर एंड भाई चौथे साल के एंड में रिडम्पशन होगा जी, ओके जी। सिर्फ पुनीत का जवाब आया, यस सर क्लियर, ओके ठीक है ओके। आइए जरा बेटा कितने साल चलेंगे डिबेंचर्स, जितना जितना लोन जहां उतना उतना राइट ऑफ वहां, जितना जितना लोन जहां उतना उतना इंटरेस्ट वहां। बेटे कितने साल की बात है बोलो, 4 साल की बात है। कहां से शुरू होगा डिबेंचर, 1/4/2015 से। पहला साल कब खत्म होगा जी, सर पहला साल होगा 31/16 को। अच्छा फिर अगले वाला, दूसरे साल कब खत्म होगा, 31/17 को। फिर तीसरा साल कब खत्म होगा, 31/18 को। फिर चौथा साल कब खत्म होगा, 31/19 को। एक बच्चे ने बताया, वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड सिमरन बेटा, शाबाश बाबू। आइए जरा, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे आपसे, ये पूछ रहा हूं, बताओ क्या डिबेंचर का नाम क्या था, सर इसका कोई नाम रखो ना अच्छा सा।
चलो इसका नाम रख देते हैं हम 10% डिबेंचर्स। क्या नाम रखेंगे? 10% डिबेंचर्स। तो हम साथ साथ में ना इंटरेस्ट भी निकाल देंगे, ठीक है। आइए जरा अब मुझे बताओ, सारे बच्चे ध्यान से बेटा, ये मत सोचना कि सर तो यहाँ पे हल्के में करा रहे हैं, ये तो बड़ा हल्का सा एग्जाम्पल है। हल्के वाले एग्जाम्पल में हम बेसिक में ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके तब हम एडवांस क्वेश्चन करते हैं, है ना। बताओ बेटे बताओ, यहाँ पर जब इशू हुआ डिबेंचर, तो कितने रुपए की फेस वैल्यू का हुआ? 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू का, सॉरी 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू का हुआ, है ना। 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू का हुआ। और पता है जब इशू हुआ तो वो पार पे था, नहीं डिस्काउंट पे था जी। तो हमने क्या एंट्री की होगी? सर हमने ना ये एंट्री की होगी। क्या हमने एंट्री की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, वाह 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 वाह, 9,50,000, वाह 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 वाह, 2 10% डिबेंचर्स, वाह 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 वाह, 10 लाख। हमने ये एंट्री की होगी और सब पता है, लॉस ऑन इश्यू में आपने डाल दिया होगा। अरे लेकिन एक बात और भी है, यहां पर तो प्रीमियम पे रिडम्शन है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्शन कितने का? 1,20,000। तो देखा जाए तो मेरा जो लॉस ऑन इश्यू है उसमें मेरे दो पार्ट आ गए। मेरा जो लॉस ऑन इश्यू है उसमें दो पार्ट आ गए। कौन कौन से? कौन कौन से जी? सर एक तो ना, हाँ बोलो बोलो, एक तो ना सर डिस्काउंट आ गया सर। अच्छा बेटा कितने का? सर 50,000 का तो डिस्काउंट इनिशियली लॉस हो चुका, कैपिटल लॉस, जो आज की डेट पे सच्ची मुच्ची का लॉस है। और जो फ्यूचर में होने वाला 1,20,000 है वो भी हम आज ही बुक करेंगे। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो यानी टोटल 1,70,000 का हमारा यहाँ पे लॉस बुक होगा जी। तो लॉस ऑन इशू डेबिट 1,70,000। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर मैं डिस्काउंट को अलग इशू अगल अलग बुक करूं, नाम लिख दूं डिस्काउंट ऑन इशू 50,000, और मैं लॉस ऑन इशू में सिर्फ रिडम्शन वाला डालूं। मैंने कहा वो भी सही है, लेकिन बेटे राइट ऑफ तो तब भी करना है ना, तो इकट्ठा ही डाल देना चाहिए, बढ़िया है। आगे जरा अब मुझे बताओ, पहले साल जो लो डिबेंचर रहा, पहले साल जो डिबेंचर रहा साल भर कितने रुपए का डिबेंचर रहा? 10 लाख रुपए का डिबेंचर रहा। ये मत सोचना कि सर आसान क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, आसान के जरिए ही बेसिक फंडा क्लियर होगा। साल भर मैं कैसा हूं, मैं ये कह सकता हूं 10 लाख x 12 में से 12 महीने तक मेरा पूरा 10 लाख रहा। सेकेंड ईयर में बताओ सर अभी तो कोई रिडम्शन नहीं हुआ, ये तो चारों साल में ना सर 10 लाख ही चलता रहा। 12/12, 12/12, 12/12, 12/12, 10 लाख x 12 में से 12 महीने तक यही चलता रहा। सर चौथे साल के एंड में जाके रिडम्शन हुआ, इसका मतलब 10 लाख x 12/12 यही चलता रहा। वाह 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 वाह। और सर यहां जा करके इसको ठोक दिया, डिशकिया डिशकिया कर दिया, काम रिडम्शन हो गया, पेमेंट वापस कर दिया जी। सर हम रिडम्शन का चैप्टर पढ़ेंगे कि राइट ऑफ का भी, बेटे वो भी पढ़ना है, क्वेश्चन का पार्ट बनता है, इसीलिए काम करना है। तो ये इस दौरान हर एक साल में कितने रुपए का लॉस राइट ऑफ होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि साल भर लोन कितने का चला, किस किस साल में लोन कितने कितने रुपए का चला। क्योंकि बेटे कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पर लोन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा, और कई बार वो कोई केसेस ऐसे आएंगे कि डेट ईयर एंड पर नहीं होगी, मिडिल ऑफ द ईयर में मिल सकती है। आइए जरा, तो इसलिए बेसिक फंडा पहले क्लियर करते हैं। लो जी, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम, लिखिए बेटा फटाफट से लिखेंगे। टेबल शोइंग कैलकुलेशंस, लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, ये वाली टेबल है जो हमें फॉलो करनी होती है। क्या है सर बताओ? देखो सबसे पहला कॉलम किसका होगा जी, किसका होगा? सर सबसे पहला कॉलम तो सर हमेशा ईयर्स का होता है, वही तो सबसे पहला कॉलम होगा ईयर्स का। ईयर नंबर वन, ईयर नंबर टू, ईयर नंबर थ्री, ईयर नंबर फोर, आप 15, 16, 16, 17 ऐसे भी डाल सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आपको एग्जाम में ऐसे करके आना जैसे मैं यहां पे करा रहा हूं। आइए तो यहां पर हमारी जो नेक्स्ट जो टेबल के अंदर कॉलम बनेगा वो है लोन इफेक्टिव, लोन इफेक्टिव, लोन इफेक्टिव, लोन इफेक्टिव, इफेक्टिवली लोन कितने का रहा। डिबेंचर इफेक्टिव लिख लो या लोन इफेक्टिव कर लो। सर ये रहा 10 लाख
इंटू 12/12 इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पर, इज इक्वल टू 10 लाख। आगे जाके हमारी कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा तो पहले से ही सिस्टमेटिकली हो जाएंगे हम लोग। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से बताओ सेकंड ईयर में कैसे करोगे? सर सेम ऐसे ही 10 लाख इंटू 12/12, 10 लाख इंटू 12/12, 10 लाख इंटू 12/12, 10 लाख इंटू 12/12। बेटा ये रेशो आ गया हमारा। उम्मीद है मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं बेटे लोन इफेक्टिव का हमें क्या देखना है, रेशो, तो भाई इसका टोटल क्या हो गया, 40 लाख। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटे अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो भी निकल जाएगा इसी रेशो पर, और अगर मुझे निकालना है कितना यहां पर राइट ऑफ करना है लॉस ऑन इशू, तो बेटा जी वो भी हमारा यहीं पे निकल जाएगा। आओ जरा करें जल्दी जल्दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी, 10%। तो 10 लाख का 10% सीधा सीधा इस पे लगा देंगे हम लोग, ये जो इफेक्टिव यूज है ना। आओ जी जरा कितना आ गया, 1 लाख, 1 लाख हर साल का इंटरेस्ट हमारा हो गया। जितना जितना लोन जहां उतना उतना इंटरेस्ट वहां। जितना जितना लोन जहां उतना उतना राइट ऑफ वहां। बेटे इस 1,70,000 के लॉस ऑन इशू को हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। क्या करना है बोलो, राइट ऑफ करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशो का यूज करेंगे। कौन से वाले रेशो का, इफेक्टिवली लोन यूज का रेशो। प्लीज बी सिस्टमेटिक, एक बार टेबल के फॉर्म में आ जाओ, बाद में जब क्वेश्चंस में कितनी भी कॉम्प्लिकेशन आएंगी इस टेबल में डालते रहो, करते रहो, डालते रहो, निकालते रहो। आगे तरह राइट ऑफ ऑन लॉस ऑन इशू, लो जी शुरू हो जाइए। कितने का राइट ऑफ करना है जी, 1,70,000 का जी। अच्छा जी 1,70,000 का मल्टीप्लाई कर दो किस में भाई, 10 लाख बटे 40 लाख, मतलब मैं कह सकता हूँ ये 10/40 का रेशो आ गया हमारा। ऐसे ही बेटा यहाँ पर 1,70,000 इंटू 10/40। कैलकुलेटर कहाँ गया, देखो भाई देखो जरा, आज तो कैलकुलेटर भी मिस हो गया। लो जी 1,70,000 डिवाइड बाई 4 कर दो सीधा, एक ही बात है। हाँ जी ये आ गया हमारा कितने का, 42,500 रुपये का। बेटा हर साल का यही आएगा, ठीक है ये आसान है, 42,500। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम ताकि आप सारे के सारे नंबर ले सको। तो ये बात थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 की, जल्दी से आए और एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे अब हम लोग। सर इस एग्जाम्पल को हम क्या नाम दें, इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को नाम देना, इस एग्जाम्पल के ऊपर हेडिंग डाल दो छोटा सा नन्ना सा, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको आसानी हो। रिडम्पशन इन लमसम, जिन क्वेश्चन में लमसम में रिडम्पशन होगा। देखो क्या हुआ, 4 साल के बाद में इकट्ठा पेमेंट कर दिया गया, 4 साल के बाद में इकट्ठा पेमेंट कर दिया गया, ठीक है ये इसका हेडिंग है। तो ऐसे केस में लॉस को कैसे राइट ऑफ किया जाता है जी, हमने देख लिया। आइए जरा अब अगला हेडिंग डालेगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, जल्दी से डालें एग्जाम्पल नंबर 2 और मुझे बता देना अगर किसी का मिस हो जाए, मिस नहीं होना चाहिए, मिसेज भले ही हो जाए।
तो बेटा मिस ना हो जाए, ध्यान रखना, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। जब रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में होगा तो भाई हम कैसे कैसे राइट ऑफ करेंगे, आइए जरा लिखते हैं जी, लिखते हैं फटाफट से, लिखो एक छोटा सा एग्जांपल भाई। फेस वैल्यू है 1,00,000 रुपए की, छोटी अमाउंट कर लेते हैं, ठीक है जी। और बेटा बेटा प्लीज मुझे बताओ एग्जांपल नंबर वन, ओके सारे बच्चे लिखेंगे एग्जांपल नंबर वन, ओके जल्दी जल्दी मुझे बताते रहा करो ऑनलाइन में, बिना पूछे बताते रहा करो एग्जांपल नंबर वन, ओके जल्दी जल्दी बोलेंगे ओके और नोट ओके। हाँ जी पलक, रितु, सिमरन, तरुण, अंकुर, अरे बाकी बच्चे क्यों नहीं दिखाई दे रहे भाई, पता नहीं। हाँ जी करण, पुनीत और बाकी बच्चे, चलिए जी आइए जरा। हाँ जी फेस वैल्यू है कितने की, 1,00,000 की। बेटा इश्यू प्राइस कितने का है, 95,000 रुपीज का। और आरपी लिखूंगा मैं, आरपी मतलब कि रिडम्पशन प्राइस, आरपी बोले तो रिडम्पशन प्राइस। आइए जरा रिडम्पशन प्राइस है जी 1,10,000 रुपए का। अच्छा अब मैं सीधी सीधी काम की बात करूं, यहां पे लॉस ऑन इश्यू हमारा कितना जनरेट हो जाएगा बताओ, अगर देखा जाए तो 5,000 तो ये आ गए है ना, और देखा जाए तो फेस वैल्यू और रिडम्पशन प्राइस का कंपैरिजन करेंगे तो बेटे 10,000 रुपए का ये जनरेट हो जाएगा है ना। टाइम वेस्ट नहीं करते, काम की बात करते हैं, यानी कि 15,000 का हमारा लॉस ऑन इश्यू आ जाएगा। ये बात सब बच्चे को क्लियर है, हमारा जो इंटरेस्ट का रेट है हम लिख लेते हैं 10% डिबेंचर्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मच अमाउंट, बल्कि रुको, अब क्वेश्चन ये कह रहा है भाई साहब रिडम्पशन जो होना है ना, रिडम्पशन, हाँ जी रिडम्पशन होना है इन 4 इंस्टॉलमेंट, इक्वली स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड, पहले साल के ईयर से स्टार्ट होगा जी, पहले साल के एंड से स्टार्ट होगा जी। फाइंड आउट लॉस ऑन इशू टू बी रिटन ऑफ इन ईच ईयर एंड इंटरेस्ट आल्सो। जरा एक बार छोटा सा ग्राफ बना दो फटाफट, हालांकि अब बिना ग्राफ के आप कर सकते हो मुझे पता है, आई नो, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे को जरा सी भी दिक्कत हो, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा गूगल ड्राइव पे या बैकअप में भी क्लास देख रहा हो तो वो भी आराम से इस काम को कर ले, और फेस टू फेस में कोई बच्चा पढ़ रहा हो ना पूछ पा रहा तो वो कर ले। लो जी कितने साल थे, 1, 2, 3, 4, इशू प्राइस फेस वैल्यू कितनी है, 1,00,000। रिडम्पशन कब कब हुआ जी, पहले साल के एंड में हुआ, 25,000 का 4 इंस्टॉलमेंट है ना इक्वली, दूसरे साल में रिडम्पशन हुआ, फेस वैल्यू 25,000 का 25 25 25 25, वो वाला याद आया था 25 सुनते ही मेरे को, वही वाला, तुम्हें भी पता है मैं कौन से 25 की बात कर रहा हूँ, फेस टू फेस मैंने कई बार पूछा है तुमसे, तुमने बताया भी है। बताओ कौन सा 25 याद आता है, कौन से फिल्म वाला 25 याद आता है, देख के कौन सा बच्चा मुझे साथ साथ बताएगा। हाँ जी फेस वैल्यू 25 25 25, एक फिल्म में था वो दारू पी के बैठा रहता है सड़क पे, आवाज लगा रहा होता है नीचे देख के गड्ढे में, कह रहा था 25 25, बताओ कौन सी फिल्म में का सीन था। 25 सुन के याद आता है। चलो देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले जवाब देगा, आइए जरा हम तब तक यहां चलते हैं भाई। कितना कितना लोन कहा भाई साहब, 1,00,000 का लोन साल भर चला, 12 में से 12 महीने तक
1 लाख का लोन चला। बताओ नेक्स्ट ईयर कितने का लोन चला? सर नेक्स्ट ईयर 75,000 का लोन, क्योंकि बेटे 25,000 का लोन तो पेमेंट हो चुका। इन टू 12/12, क्या 12 के 12 महीने तक रहा 75,000? यस। आओ जरा यहां पर कितने का लोन रह गया था? 50,000। भाई 12 में से 12 महीने तक 50,000 का लोन चला, फिर रह गया बेटे 25,000 इंटू 12/12। हाँ किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं बता दूं, एक फिल्म थी, इस फिल्म वो गड्ढे की तरफ देख के एक शराबी कर रहा होता है। हाँ तरुण कह रहा है हम मूवी नहीं देखते, हम सीए के स्टूडेंट है। कैसी कैसी बातें करते हो, आज तो सीए के स्टूडेंट बदल चुके हैं, आज तो सीए के स्टूडेंट पूरे बदल चुके हैं। मैं बता देता हूँ, गड्ढे की तरफ देख के कह रहा था 25 25। अब हीरो एक पीछे से आता है, वो कहता है भाई साहब क्या देख रहे हो, उसको लात मार के गड्ढे में गिरा था। अब कहता है 26 26, तो 25 से बड़ा प्यारा नाता है। आइए जरा नेक्स्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन वाइज टेबल बनानी है जल्दी से। एग्जाम में हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, आइए जरा। सबसे पहला कॉलम हमारा ईयर का था, दूसरा कॉलम हमारा इफेक्टिव लोन का था, तीसरा कॉलम हमारा इंटरेस्ट का, और बेटा चौथा कॉलम हमारा राइट ऑफ का। जल्दी 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 जल्दी, ईयर्स, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, और बेटा ईयर नंबर 4। हाँ जी, पहला है इफेक्टिव लोन यूज्ड, दूसरा है इंटरेस्ट की अमाउंट, तीसरा है हमारा लॉस ऑन इशू राइट ऑफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड देन फोर्थ। आओ जरा चलते हैं आगे बेटे। पहले साल में लोन जो चला हमारा वो 1 लाख का लोन था, वो 12 में से 12 महीने तक यूज रहा, पहले साल भर में पूरे के पूरे 12 महीने तक, यानी कितना हो गया इफेक्टिवली यूज 1 लाख। ठीक है जी, सेकंड ईयर, लो जी सेकंड ईयर में क्या हुआ, सेकंड ईयर हमारा फिर से 12 में से 12 महीने तक रहा, थर्ड ईयर 12 में से 12 महीने तक यही रहा। लो भाई बेटा ये मत सोचना कि सर क्यों बार बार इतना आसान आसान चीजों को लिखवा लिखवा के करवा रहे हैं, क्योंकि जब यहां पर मैं थोड़ा सा एक एडवांस चीज डालूंगा जिसको मैं आज होमवर्क में दूंगा करने के लिए एग्जांपल को, उसमें आपको आसानी होगी। लो बेटा कितना, 1 लाख का 10% है ना, कितना हो गया 10,000, साल भर में 10,000 का इंटरेस्ट बेटा, क्योंकि लोन 1 लाख का यूज हुआ। ये बेटे दूसरे साल की कहानी, ये तीसरे साल की कहानी, चौथे साल की भी कहानी। लॉस ऑन इशू की बात करते हैं बेटे, राइट ऑफ की, लॉस ऑन इशू, लॉस हमारा कितने का है जी, लॉस हमारा है जी 15,000 का। लो भाई अब इस 15,000 के लॉस को हमें राइट ऑफ करना है जी, किस तरह से करना है जी। लो बेटा जी आइए करते हैं जी, करते हैं जी, करते हैं जल्दी से करते हैं। वाह 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 वाह, 15,000 इंटू 15,000 इंटू 1 लाख/4 लाख, या 1/4 कर दूं, है ना, मैं सीधा 1/4 कर देता हूं। रेशो कहां से आया, यही तो रेशो है सर। लोन का अमाउंट तो डिडक्ट हो जाएगा और जाना चाहिए ना, देखो जरा लोन, अच्छा इंस्टॉलमेंट में है ना। ओ हो ये तो गड़बड़ हो गई, सही बात कह रहे हो बेटा, ये तो गड़बड़ हुई गवा। रुको बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लोन का अमाउंट तो हमने डिडक्ट ही नहीं किया भाई,
और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? बाकी बच्चे सो गए क्या भाई? पराठे चल रहे हैं, पराठे साथ साथ में। मैं कह रहा था ना मम्मी ले आओ, ये तो बोलता ही रहेगा। लो बेटे 75,000। यू आर राइट। फिर बेटा 50,000 × 12/12, 50,000। सिमरन कह रही हो मम्मी अचार ले आओ। है भाई सिमरन? करण, करण सही चल रहा है मामला बेटा? करण ने तो बताया था। हाँ वेरी गुड रितु, आइए जरा। यस आओ बेटा। तो हमारा इंटरेस्ट भी फिर इसी पे वेरी करेगा। लो जी कितना कितना लोन कहाँ। हाँ जी जितना जितना लोन जहाँ उतना उतना इंटरेस्ट वहां। लो भाई बच्चों आई होप आपको सबको ये बात क्लियर है। सर हमें ज्यादा क्लियर है क्योंकि हम ही ने तो आपको बताया है आप ये गलती कर रहे हो। वेरी वेरी गुड। आइए जरा लॉस ऑन इश्यू की बात करते हैं, राइट ऑफ की। अब मुझे बताओ लोन का जो राइट ऑफ का रेशियो है वो क्या बनेगा? इन सब का टोटल करो। 2,50,000 बैठ गया ना, 2,50,000। मैं ये कह सकता हूं अब हमारा जो लोन का रेशियो है वो कैसे कैसे होगा जी? देखिए जरा, इनटू 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000। जितना जितना लोन जहां उतना उतना राइट ऑफ वहां। सेकेंड ईयर में क्या होगा बेटा? 75,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000। फिर बेटे 50,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000। 25,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000। ओके सिमरन वेरी गुड। तुमने बताया क्यों नहीं था बेटा? आओ चलो भाई ये बताओ मुझे सब बच्चों के उसमें क्लास आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहा है नेटवर्क का। एनीवेज वैसे भी हमारी 5-10 मिनट की क्लास रह रही है, 9 बजे तक हमें क्लास ओवर करनी है। हमारी क्लास 7 बजे से हुआ करेगी। आज पहला दिन था ऑनलाइन का तो थोड़ा सा हम लोग डिले थे, कुछ थोड़ा टेक्निकल रीजन से कई बच्चों को सेशन शो नहीं हो रहा था। आइए जरा प्लीज मुझे एक बार बताएं क्लास चल रही है क्या, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा था। आइए जी तो बेटे बताना जरा इनटू कितना बैठ गया? 25 × 50। 25 × 150 ये हो गया जी 6,000। 6,000 की अमाउंट आ गई है ना, 6,000। नेक्स्ट ईयर हो गया 4,500। फिर हो जाएगा कितना? 3,000। फिर हो जाएगा कितना? 1,500। प्लीज चेक करो जल्दी से। और मैं मान रहा हूं कि बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया। आइए जरा मैं फटाफट से आपको, मैं आपको फटाफट से एक छोटा सा काम कराता हूं, एक एग्जाम्पल और लिखाता हूं जिसको आप घर से करके लाएंगे। प्लीज मुझे एक बार बताओ तुम्हारी क्लास चल रही है क्या? चैट बॉक्स काम कर रहा है क्या? क्योंकि यहां पर बीच में मैसेज आ रहा था कुछ टेक्निकली कि भाई स्ट्रीमिंग क्वालिटी में कोई डिफरेंस है। ठीक है मैं वेट कर रहा हूं जी। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, बच्चों के मैसेज तभी नहीं आ रहे हैं। क्लास पोज आ गया ना मैसेज क्लास पोज का। रुकिए फिर एक काम करता हूँ मैं, समझ गया।